नमस्कार दोस्तों, मीडिया म्यूजिंग्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीडिया के साथ जुड़े हुए लोगों को आपसे रूबरू करवाते हैं, उनके साथ हम संवाद करते हैं। भारतीय पत्रकारिता और गुजराती पत्रकारिता का अपने आप में एक बहुत ही उज्ज्वल इतिहास रहा है। जब हम लोग जर्नलिज़्म की पढ़ाई करते थे तब हम कई सारी बातें जो हैं वो जर्नलिज़्म की हिस्ट्री के बारे में पढ़े, ख़ास करके गुजरात के पत्रकारिता के इतिहास के बारे में। पर हमारा गुजराती पत्रकारिता का इतिहास जो है वो डॉक्टर रतन मारसल की किताब से शुरू होकर उसके अंतिम पन्नों पर ख़त्म हो जाता था। गुजराती पत्रकारिता के इतिहास को एक नया आयाम देने वाली व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर रतन मारसल के काम को बखूबी आगे बढ़ाया और आज के गुजराती आधुनिक पत्रकारिता के युग तक उसे ले गए। सिर्फ गुजराती पत्रकारिता ही नहीं, गुजरात के राजनीतिक इतिहास, गुजरात में बनी हुई सामाजिक घटनाएं, और सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में बनी हुई कई सारी सामाजिक घटनाएं, कई सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं जिन्होंने इस देश का इतिहास बदल के रख दिया, ऐसी घटनाओं को क्रॉनिकलाइज करने वाले, उसको एक इतिहास में ढालने वाले, उसको एक नया आयाम देने वाले ऐसे प्रखर पत्रकार इतिहासकार डॉक्टर विष्णु पंड्या आज हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है जी। हमारे उन दर्शकों के लिए जो शायद गुजरात से नहीं हैं और इसीलिए वो विष्णु भाई का नाम नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं विष्णु भाई का परिचय दे देता हूँ। अदरवाइज विष्णु भाई किसी परिचय के अब मोहताज नहीं हैं। आपने गुजराती पत्रकारिता और साहित्य में वो मकाम हासिल किया है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक आशीर्वाद समान बना रहेगा। आपका जन्म जूनागढ़ जिले के माणावदर गांव में हुआ। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अहमदाबाद आकर साधना साप्ताहिक में अपना काम शुरू किया और क्रमशः उसी मैगज़ीन के संपादक भी बने। आपने इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई हर पाबंदियों को डटकर मुकाबला किया और स्वतंत्र पत्रकारत्व की एक नायाब मिसाल कायम की। आपने अपने इस लंबे कार्यकाल में कॉलेज के विद्यार्थियों को राजनीति शास्त्र का अध्यापन भी करवाया है, किंतु आप एक अरसे के बाद लेखन प्रवृत्ति में भी व्यस्त रहे और गुजरात के राजनीतिक इतिहास, गुजराती पत्रकारिता का इतिहास, हमारे देश के सपूतों की कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और संशोधन पर आधारित किताबें, निबंध आधारित पुस्तकें आपने लिखी, जिसकी संख्या कुछ ही समय में 100 के पार हो जाएगी। आप वर्तमान में गुजराती साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। आपको 2017 में राष्ट्रपति महोदय के हाथों पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको नर्मद साहित्य सभा द्वारा नर्मद सुवर्ण चंद्रक भी दिया गया है। अभी कुछ महीनों पहले गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टर ऑफ लेटर्स की पदवी से भी आभूषित किया है और कल ही आपको गुजरात गौरव रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। फिर से एक बार आपका स्वागत है सर। तो हम अपना संवाद शुरू करते हैं। चूँकि आप जिस दौर में पत्रकारिता में आए, अपने कदम रखा, वो एक अलग समय था। गुजराती पत्रकारिता में उस वक्त जिस प्रकार का कंटेंट, आज शब्द ये कंटेंट शब्द जो है उसका इस्तेमाल होता है, और तकनीकी तौर पर वो एक व्यवस्थाएं थी, कृपया हमें ज़रा उस व्यवस्थाओं की ओर थोड़ा ले जाइए। ये बात सही है कि 50 साल के पूर्व की जो पत्रकारिता थी जब मेरा प्रवेश हुआ, 22-23 साल का था और जूनागढ़ बहाउद्दीन कॉलेज में पढ़ता था। मेरा जन्म भी ऐतिहासिक घटनाओं के बीच हुआ। माणावदर और जूनागढ़ 1947 में पाकिस्तान के साथ नवाबों ने विलीनीकरण किया था। मैं 2 साल का था और तब वहाँ आरजी हुकूमत बनी और वो आरजी हुकूमत की अगुवाई वो श्यामलदास गांधी ने की थी, अमृतलाल सेठ ने की थी, वो दोनों पत्रकार थे। तो सबका शायद संस्कार रहा होगा कि भाई पत्रकार बनना है, ऐसे सोचा नहीं था। मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था जी। लेकिन जूनागढ़ बहाउद्दीन कॉलेज में जब अंतिम वर्ष में पढ़ता था तो प्रांत प्रचारक जी लक्ष्मण राव जी इनामदार आए।
वैसे ज़्यादा परिचय नहीं था, थोड़ा बहुत मैं स्वयं सेवक, लेकिन अनियमित, बहुत क्या शाखा में रोज जाना ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो आए और कहा कि मिलने के लिए ही मैं आया हूँ, ऐसा बताया। फिर बताया कि परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर जी सरसंघ चालक जी वो अहमदाबाद आए थे, शिविर में थे, उन्होंने साधना का दिवाली अंक पढ़ा, तब मैं थोड़ा बहुत लिखा करता था, उनमें आपका लेख पढ़ा साहित्य और राष्ट्रवाद, और उन्होंने पूछा मुझे, वकील साहब ने ये बताया कि लड़का कौन है, बताया कि वो पढ़ता है ये इत्यादि इत्यादि, उनको बुला लो यहाँ। सरसंघ चालक जी ने शायद विनम्रता से आदेश दिया था, और तब से उनका कहना था कि साधना संभालो। 22 साल में मैंने साधना संभाली, 2-3 महीने तो वैसे सह संपादक रहा, लेकिन बाद में उन्होंने एडिटर यानी संपादक बना दिया। करीब 12-13 साल तक मैंने साधना चला, साप्ताहिक का आवाहन किया, क्या है आवाहन संचालन किया है, क्योंकि सब एक ही करना था हमें, सभी इसमें रिपोर्टिंग भी हमें करना है, संपादकीय लिखना है, मुलाकात इंटरव्यू लेना है, कभी कभी रेपरिंग भी करना है, ये सब हुआ और प्रूफरीडिंग तो सही, क्योंकि 3 दिन तक वो उनका प्रूफरीडिंग और संपादन चलता था किसी और के प्रेस में, लेकिन उन दिनों में जो प्रिंटिंग था वो हमारा या आजकल का प्रिंटिंग नहीं था, वो जो वो उनको कहते हैं कंपोज, वो बड़े फाउंड होते हैं गेली और ये लोखंड के अक्षर होते थे, उंधे होते थे, उल्टे और फिर उनको फिट करते थे, फिर वो उनका प्रूफ निकलता था, वो प्रूफ हम देखते थे, फिर अब दोबारा निकलता, फिर छोटे से ट्रेडल मशीन में वो जाता था और करीब 1 घंटे में शायद ही 10-15 हज़ार नकल उसकी प्रतियां निकलती थी। तो उन दिनों में ये होता था, तो तीनों दिन तक 24 घंटे तक ये काम होता था करीब करीब, तब ये अखबार साप्ताहिक निकलता था। अब ये इसलिए पूरा का पूरा, जब कोई प्रूफ रीडर नहीं होता है वो भी करना पड़ता था। मेघाणी की एक बहुत बड़ी कहानी है कि वो सौराष्ट्र पत्र इसी तरह से 1930 में चलाते थे और अंतिम दिन बुधवार होता था, कभी कभी कोई सामग्री नहीं थी छपने के लिए, और एक बार तो सौराष्ट्र का अखबार के पहला पन्ना कुछ भी नहीं, क्या करें। तब उन्होंने एक कविता लिखी गांधी जी के, वो जा रहे थे गोलबेजी परिषद में, छल्लो कटोरो जेरनो पीजो बापू, और वो प्रख्यात हो गई। तो कभी कभी टेंशन जो होता है, प्रेशर पत्रकार के ऊपर, वो उन दिनों में ज़्यादा चलता था, और इसी कारण उन दिनों में जो पत्रकार हुए, गुणवंत राय आचार्य, ककल भाई कोठारी, सामरदास गांधी, अमृतलाल सेठ, सनी जैसा कार्टूनिस्ट, ये सब बड़े अपने जो शब्द के साथ जो जुड़े हुए थे, डेडिकेटेड थे, समर्पित। तो समर्पित पत्रकारिता तब अभी भी स्वाधीनता के बाद भी कुछ सालों तक चली, उसको मिशनरी जर्नलिज्म में, उनको मिशनरी यानी सेवाव्रति पत्रकारिता कहता हूँ। तो ये सेवाव्रति पत्रकारिता नशा था। वासुदेव मेहता कभी कभी कहा करते थे, हमारे प्रतिष्ठित पत्रकार, कि एक बार वो जर्नलिज्म में कोई गया वो फिर वापस नहीं आएगा, उनको धक्के मार के निकाल दो तो भी वो वही करेगा, क्योंकि ये एक नशा है। तो ये नशे की बात वाली थी। तो ऐसे माहौल में हमने पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया, मैं तालीम लिया ऐसा ही कहूँगा, क्योंकि मैंने विधि विधान से, तब तो ये पत्रकारिता के कोई क्लासेस भी नहीं थे, और फिर भी हमने इस प्रकार के पत्रकारिता को अपनाया। आपने अभी साधना की बात की, तो साधना साप्ताहिक से ही वैसे कहा जाए तो आपकी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, तो विशेषतः इमरजेंसी के दौरान आपकी पत्रकारिता और भी निखरी, आप हमें उस वक्त के कुछ आपके अनुभव बताइए। देखिए, साधना तो एक छोटी सी सामयिक था, वो पत्रिका ही थी, मान लो क्या 1200 प्रतियाँ जाती थी उन दिनों में, मैं 67 की बात कर रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे हमने उनकी एक व्यूहरचना रणनीति अपनाई कि भाई इसको आगे बढ़ाना है, विचार को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार करेंगे। तो विभिन्न जो वर्ग था,
राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक, उनको पास लाने के लिए उनके जो बड़े पत्रकार थे कुछ लोग, उनको बुलाया, उनसे बात हुई, कुछ धाराशास्त्री से उनसे बात हुई, राजनीति में संस्था कांग्रेस और बाकी सब भी थे उनसे भी बात हुई। तब उनको लगा कि ये साधना केवल एक छोटी सी पत्रिका नहीं है, इनका तो बड़ा एक मंच है, तो लिखने लगे उनमें। इसका परिणाम ये हुआ कि 74 में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, तब हमने साधना को पूरा मंच बना दिया, विरोध का मंच। केवल संघ की या केवल जनसंघ की प्रचार पत्रिका जो दिमाग में थी लोगों के, ऐसा नहीं, वास्तविक हमारा था, ये इरादा जरूर था, हेतु जरूर था, लक्ष्य ये तय था, लेकिन इस लक्ष्य के साथ साथ हमें राष्ट्र जीवन के साथ यदि जुड़ना है तो बाकी सब बातों को करना पड़ेगा। तो इसी कारण सब इकट्ठे होने लगे, आने लगे लोग। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि चंद्रकांत दरू एक बड़े उन दिनों में मानवतावादी रेडिकल ह्यूमेनिस्ट थे, संघ के कट्टर विरोधी, बीके मजमूदार थे, मोरारजी भाई थे, ये सभी के सभी को लगा कि नहीं, साधना हमारी पत्रिका है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो आए, लिखना शुरू कर दिया। दरू साहब तो हमारी साधना के बहुत से कार्यक्रम में भी आए, कॉलमिस्ट बने, हमारे स्तंभ लेखक भी बने। तो ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया, लेकिन उन दिनों में छात्र आंदोलन के दौरान एकता की बात होनी थी कि भाई विपक्षी एकता होनी चाहिए। अब ये संघ का या साधना का तो कोई लक्ष्य नहीं था, हमारा एजेंडा नहीं था, फिर भी ये करना चाहिए था। तो जयप्रकाश नारायण जब आए बिहार से, तो हमने एडिटोरियल लिखा, प्रेमर ज्योति तारो दाखवी मुझ जीवन पंथ उजाड़, लीड काइंडली लाइट। और जेपी ने पढ़ा, वो उनको लगा साधना वालों ने ये लिखा, तो लिखा वसंतराव गजेंद्र गढ़कर जनसंघ के संगठन मंत्री थे, वो उनको मिलने गए थे और भी लोग थे। तो तब उनको आश्चर्य लगा कि नहीं, आप लोग समर्पित हैं लोकतंत्र के प्रति, ऐसा मुझे लगता है, गुजरात में काम करिए। तब से हमने ये एक मंच बना दिया साधना को। तो इसी कारण विरोधी दल में उन दिनों में काफ़ी मतभेद थे, राजनीतिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये केवल राजनीतिक नहीं थी, लोकतंत्र के लिए थी। संस्था कांग्रेस थी, दो कांग्रेस अलग अलग हो गई थी। संस्था कांग्रेस में बाबूभाई जसभाई पटेल, दिनेश राय, ऐसे बड़े बड़े लोग थे। उनको लग रहा है कि जनसंघ के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इकट्ठा होना है तो जनसंघ के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। तो बाबूभाई पटेल तब अध्यक्ष थे पक्ष के, हमने उन्होंने लिखा कि भाई ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव आ रहे हैं, 74 में जब चुनाव आए तो चुनाव में अलग अलग लड़ना चाहिए, पार्टियों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, विपक्षी दलों को, तो कांग्रेस को हम हरा सकते हैं। तो ये उनका गणित था। तो हमने एक आर्टिकल लिखा साधना में कि बाबू भाई आपका गणित तो सही है लेकिन इतिहास गलत है। स्तब्ध लोगों को लगा कि ये अब गए काम से, लेकिन बाबू भाई ने बुलाया कि आपकी बात सही है। और फिर इकट्ठे हुए, फिर राजनीतिक परिषद हुई, बौद्धिक परिषद हुई, नव छात्र आंदोलन के बाद सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह के बाद तो आपातकाल लग गया, ये जनता मोर्चा बना, जनता मोर्चा में भी बहुत काम हमारे लोगों ने भी किया। धीरे धीरे ऐसा लगा कि विकल्प के लिए इन लोगों को साथ लेना चाहिए। तो ये पत्रकारिता का हमारा एक छोटा सा परिणाम था उन दिनों में। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा एक अलग आयाम में जाता हूँ। आपने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया है और आज भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो इतने सालों का अनुभव रहा है, जैसे आपने कहा कि आप पत्रकारिता में, आपके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी पत्रकारिता की, पर आपको लगता है कि आज इस समय में अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता में आना चाहता है तो उसको इस प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए? तालीम तो होनी चाहिए और अच्छे ढंग से होनी चाहिए। उनको विविध विषयों पर छात्रों को ज़्यादा सज्ज करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में केवल ये केवल मिशनरी झील नहीं है। ये तो सब तो बेचारे लिखते थे, 5-7 कक्षा के पढ़ने वाले भी पत्रकार बन जाते थे, लेकिन चारा नहीं था ये भी। और कुछ लोग इसी रास्ते पर चले क्योंकि उनको बदलना था समाज को। अब समाज के बदलने के लिए उनके पास तो इतना ही था क्षेत्र, और था नहीं। अब यदि वो भी सज्ज होते, तालीम उन दिनों में होती, तो और भी अच्छा काम कर सकते थे। हाँ, लेकिन
इन दिनों में होना चाहिए। और कारण ये है कि हमारी पत्रकारिता के जो आयाम है अलग अलग है। अब उन दिनों की फिर एक बात कहूँ कि भाई हमें क्या संघर्ष करना था, तो हम लेख लिखते थे, कविताएँ छापते थे, लोगों की मुलाकातें, इंटरव्यू, साक्षात्कार होता था, ये सब होता था। तो एक एक, एक लड़ायक जर्नलिज्म, जुझारू पत्रकारिता, ये उन दिनों में एक एक ब्रांड हो गई साधना की, क्योंकि और अखबार थे नहीं, बड़े अखबार लिखते नहीं थे। बड़े एक अखबार में भी जब कोई के डी देसाई के ऐसा कोई लेख लिख कर जाते थे कुछ ऐसा थोड़ा बहुत, तो वो साधना को भेज देते थे कि आप छापिए, तो हम छाप देते थे। तो इस बहाने अच्छा ये हुआ, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी सहन जरूर करना पड़ा। साधना के संपादक उपरांत सभी ट्रस्टी, कुछ अंडरग्राउंड रहे, वकील साहब अंडरग्राउंड थे, और सभी धाराशास्त्री और स्टाफ, सभी को जेल भुगतनी पड़ी, और एक साल तक वो सभी जेल में भी रहे। लेकिन इनका जो परिणाम निकला, उनके कारण साधना को एक प्रतिष्ठा मिल गई। वो अमेरिका के एंडरसन हो या फिर जॉन ओलिवर पेरी की किताब हो, उसमें भी साधना शामिल हो गया कि भाई ये गुजरात में यदि किसी ने किया है तो साधना ने किया। पूरे देश के कुछ अखबार थे ऐसे छोटे छोटे, 100 अखबार थे, 100 अखबार ने जेल भी भुगती, जब्ती जड़ती सब कुछ हुई, हमारा भी ये हुआ हाल। लेकिन मुझे एक किस्सा जरूर करना है कि हम पारितोषिक और सम्मान की बात करें। आपने कहा कि अभी कल ही मुझे गुजरात रत्न दिया गया, अच्छी बात है, ये भी हुआ, पद्मश्री भी प्राप्त हुआ। लेकिन उन दिनों में भी मैं याद ये किया था कि एक छोटी सी छोटे से गांव, आपातकाल चल रहा था, अखबार बड़ी मुश्किल से हम बुध शुक्रवार को तैयार करते निकलता था, आईबी वाले रोज आते थे, कभी इसको जब्ती जड़ती करे कोई पता ही नहीं था। लेकिन एक बार निकलता था हम हाश करते थे, कहाँ चलो अगली बार, अब तो अगली बार की बात है। तो उन दिनों में व्यवस्था विभाग ने कुछ लोगों को, जो जिसका शुल्क वार्षिक शुल्क बंद हो गया था, पूरा हो गया था, उनको खत लिखे। उनमें से एक हड़वद नाम के छोटे से गांव में से एक महिला, और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पोस्ट कार्ड आया उसका पेंसिल से लिखा हुआ, सब आपकी सूचना मिली है कि आपको साधना को बंद करें, 50 रुपये थे उनके वार्षिक शुल्क हमारा, लेकिन आप मत बंद मत करिए। फिर लिखा उन्होंने कि आज तक तो हम, मैं और मेरा, मेरे ससुर और मेरा पति, तीन ही हमारे घर में हैं। मेरे ससुर साधना के चाहक थे, तो हम दोनों मिलकर ये पैसे इकट्ठा करके आपको भेज देते वार्षिक शुल्क। अब वो तो अवसान हो गया उनका, अब पति बड़े कंजूस है, वो नहीं चाहते कि साधना आए, तो भी मैं चाहती हूँ कि साधना आए, और मुझे जो घर खर्ची देंगे हर महीने, उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर मैं आपको 50 रुपये भेज दूँगी, लेकिन चालू रख, क्योंकि लास्ट लाइन थी, क्योंकि आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनको संविधान क्या था, क्या मूलभूत अधिकार मानवाल जो आजकल चल रहा है वो क्या था, वो उसका तो कोई पता ही नहीं था, फिर भी उनको लग रहा था कि ये लड़ाई लड़ रहे। तो हमारा जो आम आदमी है, इसके भीतर जो एक एक, एक लड़ाई, सत्य की लड़ाई, सत्य असत्य का संघर्ष, वो जो है उजागर करे, वो भी एक प्रकार की पत्रकारिता है। अपने पत्रकारिता, विशेषतः गुजराती पत्रकारिता के इतिहास पर भी काफ़ी काम किया है, आपके पुस्तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, इस लेखन के दौरान आपका क्या अनुभव रहा है? एक सामान्य अनुभव रहा जो सभी क्षेत्रों में, हमारे यहाँ इतिहास हो, सांस्कृतिक इतिहास हो, राजनीतिक इतिहास हो या पत्रकारिता का, हमारे यहाँ बहुत काम नहीं हुआ इतना, या तो काम करने नहीं दिया, दो बातें, या एक तरफ ही काम किया। और पत्रकारिता का भी यही हाल था। आपने कहा कि रतन रुस्तम मार्शल की एक किताब थी, और एक वृत्त विवेचन नाम की, एक रमाना गौतम की, रमेश गौतम की, ये थी, दो ही किताबें थी, और दो ही किताबों के आधार पर पूरा चलता रहता था सब जर्नलिज्म। कोई भी लेखा था तो कि रमाना, रमेश गौतम ने ये कहा, और उन्होंने के, मैं मिला था इनको रतन रुस्तम मार्शल जी को, वो तो बड़े खुश हुए थे, उन्होंने देखा था ये अंतिम दिनों में। लेकिन अब बाद में कुछ हुआ नहीं, और एक
कारण ये भी था कि ज़्यादा तालीम की यहाँ से वो क्लासेस नहीं थी, नहीं तो चाहते पत्रकारिता को एच के वो कॉलेज में था सबसे पहला, यहाँ गुजरात में हुआ, बाद में भी अलग अलग जगह से हुआ। तो और दूसरी बात है कि पत्रकारिता जिस प्रकार की चलती थी उसमें इतिहास की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा लगता था उन्हें कि भाई हमें क्या इतिहास की ज़रूरत। आज भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इतिहास की क्या ज़रूरत, लेकिन इतिहास में बार बार भगिनी निवेदिता की बात करता हूँ उन्हें कि भाई हमारा जो पथ है सांस्कृतिक पथ है वो अतीत की पगडंडी से निकलकर वर्तमान के रास्ते पर जाकर भविष्य के राजपथ तक पहुँचता है। तो सातत्य है, कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी के लिए इतिहास चाहिए, और ऐसा इतिहास चाहिए कि जो इतिहास एकदम हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। तो गुजरात का तो बहुत बड़ा इतिहास है, नर्मद कृष्णदास मूलजी से लेकर बहुत से लोग हुए और बहुत से नाम है उसमें, उन्होंने लिखा भी, और साहित्यिक पत्रकारिता हुई, पत्रकारिता हुई, सामाजिक पत्रकारिता हुई, और राजनीतिक पत्रकारिता भी हुई हमारे यहाँ। ये सब के उदाहरण पेश करने चाहिए, प्रस्तुत करने चाहिए, किस प्रकार लड़े थे, कैसे ये इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने गुजराती अखबार जो राजनीतिक अखबार था वो लिखा, और उन्होंने तो बहुत काम और भी किया है कि उनकी किताबों को प्रतिबंधित किया गया था। तो ये सब, अब देखिए नर्मद, तो नर्मद के बारे में केवल वो कवि ज़्यादा नर्मद, कृष्णलाल श्रीधरन तो कि बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय हमारे गुजराती कवि, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जर्नलिज्म किया था, माय वर्ल्ड विदाउट वायलेंस ये उनकी किताब है। आज भी अमेरिका में गांधी जी के सत्याग्रह को समझने के लिए श्रीधरन की किताब का संदर्भ लेते हैं, उनको बाइबल समझते, तो कैसा बड़ा पत्रकार, गुजराती यहाँ से निकला था और फिर दिल्ली में रहा, यहाँ तो ये रहे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक 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 बना बनाया फ्रेम हो जाता है कि ये कवि थे, तो कवि ही चला वो बेचारा पत्रकार कहीं पीछे हट गया। हमने फिर लिखी उनके बारे में, किताब भी लिखी है कि पत्रकार श्रीधरन। तो इसी प्रकार अनुभव में इस आधार है, और दूसरी बात ये है कि हमारी पत्रकारिता करीब करीब एकांगी बन गई थी। ये ठीक है कि गांधी जी की पत्रकारिता बहुत बड़ी थी, ही वॉज द बेस्ट कम्युनिकेटर और बहुत लिखा उन्होंने, लेकिन उनके साथ साथ और भी थे, उनका भी ख्याल करना चाहिए। मैं उदाहरण इसीलिए देता हूँ कि पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, क्रांतिकारी तो थे, लेकिन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार चलाया, लंदन से चलाया, हर्बर्ट स्पेंसर की स्वातंत्र्यवादी विचारधारा से जुड़कर चलाया, और ये पूरी दुनिया में गया। वो रशिया में गोरकी था, मैगजीन गोरकी, और उन्होंने कहा कि साहब आप तो भारत के मेजिनी हो, बड़े पत्रकार हो, तो वहाँ तक चले। मैडम कामा थी उनके साथ, उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक अखबार चलाया, मदन तलवार नाम का दूसरा अखबार चलाया, वो सब विदेशों में। तो ऐसी पत्रकारिता के करीब 50 उदाहरण हैं कि जो विदेशों में हमारी पत्रकारिता चली, देश की, गुजराती भी थे, श्याम जी तो गुजराती ही थे। तो ये फिर लंदन से पेरिस और पेरिस से जिनेवा, स्थलांतरित पत्रकारिता जिसको कहते हैं आप, हिजरती पत्रकारिता, वो भी उन्होंने चलाई और 1922 तक चलाई, 1905 से 22 तक अखबार चलाना सब। हमारा एक गुजराती पत्रकार था छगन खेराज वर्मा, मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ, वो सैन फ्रांसिस्को गया था यहाँ से पोरबंदर से, और उन्होंने गदर नाम की एक अखबार पत्रिका चलाई थी, गुजराती पत्रिका, चार भाषाओं में बिकती थी, लाला हरदयाल और बाकी सब उनके नेता थे, तो गुजराती अखबार ये चलाता था, और उन्होंने पहले अखबार में ही लिखा था, पहले अंक में 1914 के जनवरी में, कि भाई किसी भी देश में परिवर्तन लाना है तो उस देश की मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, 1914। और वो गया, फिर उन्होंने काम किया, कोमागाटा मारू नाम का जो जहाज था उनके बारे में भी काम किया था, और फिर वो सिंगापुर गया, सिंगापुर में उन्होंने दूसरी बार जो भारतीय विप्लव 1897 जो प्रयास हुआ वो वहाँ उन्होंने किया, वहाँ पकड़ा गया और फांसी दे गई। अब सब गुजराती पत्रकार उसको फांसी, कल्पना में नहीं आता किसी को, और फिर भी ये हुआ है। तो इन लोगों ऐसी जिक्र सब करना चाहिए, अब ये नहीं होता है। तो इसी आधार पर हमने पत्रकारिता की किताबें लिखी, करीब 10-12 किताबें,
गुजरात की भी है, दुनिया की भी है और भारत की भी है, विशेष तौर पर गुजरात में मैंने ज्यादा है। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक बड़ा मैंने वो किया है, उस पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के उन दिनों के जो अंक है शब्द से हमने ऐसे ही रखे, तो पता चलता है कि उन दिनों का वैश्विक राजनीति कैसी थी उसमें सब पता चलता है। तो काफ़ी इकोनॉमिस्ट जो हमारे मिस्टर शाह करके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा करते हैं बड़ौदा के, उन्होंने लिखा है कि हमें आज तक हम बाकी सब किया करते थे, ऐसा आदमी यहाँ था वो हमें पता ही नहीं, बड़ा 5-10 पेज का लेख लिखा उन्होंने, उसमें छापा भी। तो धीरे धीरे रिकन्सिडर होता है हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर भी काफ़ी काम किया है, उनके अलावा भी कई सारे जो देश सपूत हैं उनके ऊपर काम किया है। आज के समय में एकात्म मानववाद का क्या रिलेवेंस आप देखते हैं? देखिए, आज के समय में तो सबसे ज़्यादा प्रस्तुत है, इसलिए कि हमारे सभी इज़म धीरे धीरे एक मुग्धता की ओर बढ़े और क्रांति की आग में गए। कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, पूंजीवाद भी था, सैनिक शाही भी थी, ये अलग 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 जिस प्रकार के आए वो लोगों को लगा भी कि भाई इससे हमारा कल्याण होगा, लेकिन आधे अधूरे दर्शन रहे थे। मार्क्स तो चाहते थे कि वो ये ब्रिटेन में होगा सबसे पहले क्रांति का, कम्युनिस्ट क्रांति का, लेकिन हुआ नहीं, वहाँ रूस में हुआ, और रूस में भी कैसा हुआ, स्टालिन से लेकर जो जिस प्रकार की आई, 1 करोड़ लोगों को मारे गए विचारों के आधार पर कम्युन, और फिर गोरबाचोफ ने ये किया ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, इसके आधार पर साम्यवाद करीब करीब ध्वस्त हो गए। लेकिन इज़म पूरा का पूरा कभी मरता नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनुष्य के समाज के परिवर्तन की कल्पना होती है, ये इधर का हो या उधर का हो, लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो। इसी आधार पर हमारे यहाँ गांधीवाद पनपा, गांधीवाद के पास एक संस्कृति सांस्कृतिक परंपरा थी। मुसीबत ये हुई कि गांधी जी के बाद गांधीवादियों ने गांधीवाद को समझा नहीं और आधार रूप नहीं बनाया, इसीलिए उनकी विफलता भी रही। ऐसे दिनों में जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1967 के आसपास 65-67 उनको लगा कि केवल पार्टी नहीं पूरे देश को कोई विकल्प चाहिए, चिंतनात्मक विकल्प, परिवर्तन का विकल्प, और उसी आधार पर परम पूज्य गुरुजी ने उनको कुछ किताबें भी दी थी, देश शास्त्र या ऐसा कुछ है, वो भी उन्होंने पढ़ा और फिर उन्होंने ये तय किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो 4 व्याख्यान हुए थे उनके, उसमें उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की बात की। अब ये वाद नहीं है, इज़म नहीं, दर्शन है। ये दत्तोपंत हेंगड़ी बार बार कहा करते थे कि भाई ये दर्शन है इसको, और ऐसा लगता है कि ठीक है जनसंघ में थे वो दीनदयाल जी, लेकिन उनका दर्शन तो पूरे देश के लिए एक राजनीतिक फिलसफ का है। हमारे यहाँ राजनीतिक फिलसफ बहुत कम हुए, उनमें से वो एक थे, लोकमान्य टिळक थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, 3-4 नाम और भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जीवन दर्शन की जो उनकी जो समझ थी उन्होंने उसमें पेश की, और बिल्कुल सरल तरीके से कहा कि भारत के आधार पर, भारत की सांस्कृतिकता के आधार पर, भारतीय मूल्यों के आधार पर हमें हमारी राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति, सांस्कृतिक नीति बनानी चाहिए। ये उन्होंने किया और अद्भुत लिखा है उन्होंने, उनका भाष्य होना चाहिए बार बार, और फिर हुआ, दत्तोपंत जी ने किया है, राजाभाई ने, बिशिकर जी, बाकी सब ने 10 किताबें लिखी उनके बारे में, अलग अलग बनाजोग और बाकी सब। लेकिन अभी तक मुझे ये लग रहा है कि इसको अभी भी बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। गुजरात में हमने वो उनका एकात्म मानव दर्शन लिखा, वो भी उसका भी एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ 1967 में वढ़वान नगर में शिविर था, और उनमें अटल जी, सुंदर सिंह जी भंडारी और नाना जी देशमुख, तीनों एकात्म मानववाद पर ही क्लास लेने वाले थे। कार्यकर्ता सब थे, और कार्यकर्ता में कौन थे, उनके अध्यक्ष हरि सिंह गोयल, चिमन भाई शुक्ला, ये वसंतराव गजेंद्र गढ़, ये सब सामने बैठकर वो
पढ़ने थे, पढ़ना था उनको। तो ये तो हुआ, तय तो हो गया, शिविर का स्थान इत्यादि सब हो गया। पुस्तक नहीं थी, सब वो मराठी में थी। अच्छा। एका तो मानव दर्शन तब एक मराठी में थी, एक हिंदी में थी, शायद इंग्लिश में थी। वसंत राव के कहा क्या करें, इनमें तो सभी को हिंदी भी ठीक ढंग से नहीं आती होगी, गुजराती नहीं है, क्या करेंगे। अंतिम सप्ताह में उन्होंने कहा कि कुछ करना चाहिए, उन्होंने कहा चलो कोशिश करेंगे। तो तीन दिन में हमने उनका अनुवाद किया, और वो भी फिर यहाँ एक छोटा सा ट्रिप, मैंने कहा पत्रकारिता का ये प्रयोग है, एक छोटा सा जाम्बा करके कार्यकर्ता थे, उनका एक ट्रेडल मशीन था, उन्होंने लगा दिया फटाफट फटाफट, कैसे भी लाल रंग का कलर में मुखपृष्ठ बना दिया, और एका तो मानववाद और शिविर के अगले दिन वहाँ पहुँच गया। तो हरे वसंत भाई को लगा, हाँ सभी को लिया, सब ने पढ़ा, और उसके उसी आधार पर तीन दिन तक शिविर हुआ था। तो ये ऐसे भी दिन थे। अपने गुजरात के पत्रकारिता के अलावा कई सामाजिक घटनाएं हुई हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है, जैसे कि 1857 में गुजरात, गुजरात के क्रांति तीर्थ वगैरह। तो ये इन सब बातों में नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है? देखिए, मैं बार बार कहा करता हूँ कि इतिहास भी एक जिंदा स्वरूप है, इतिहास को समझना चाहिए। मेघाणी, हमारे जवरचंद मेघाणी हुए, उन्होंने काफ़ी वो बहार वटिया कहते हैं सोरठी बा, उनके बारे में लिखा था बहुत सी कहानी। तो कहते थे वो बड़े विद्वान के, ये क्या मर, वो तो मर गए, अब इसकी क्या, क्यों ये प्रशंसा करते हैं। मेघाणी ने कहा कि वो मरे नहीं हैं, मुझ में जिंदा है, और ये लोग कभी मरते नहीं, इसीलिए मैं उसकी बात करता हूँ। कारण ये था कि हमारी जो पुरानी घटनाएँ हैं इतिहास, उनको भी अलग अलग तरीके से भाष्य उनका करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो रह जाएगा। उदाहरण तौर पर कभी नर्मद, जय जय गरवी गुजरात हम गाते हैं, और बड़े जोर शोर से गाते हैं, उनमें एक पंक्ति आती है करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव। तो अभी मुझे तो तीन या चार साल पहले नवसारी के आसपास में घूमता था, कुछ हिस्ट्री चाहिए थी, तो कुंतल नाम का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ कुंतेश्वर महादेव है। अब गए हम तो वहाँ से कहानी मिली कि साहब नर्मद ने कुंतेश्वर महादेव की निसरा में ये जय जय गरवी गुजरात गाया था। अब ये कैसी क्षण होगी, अब कल्पना कीजिए कि इतिहास भी आता है, साहित्य भी आता है, और कहानी भी आ जाती, तीनों आता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे यहाँ। 1857 की बात हमने की, 1857 में कहते हैं कि बाकी सब जगह बहुत हुआ, गुजरात में कुछ नहीं हुआ, गुजरात तो गांधी जी का गुजरात है। हाँ, गांधी जी का गुजरात जरूर है, लेकिन ये गांधी जी का गुजरात भी 1857 में लड़ा था, 10,000 लोग मरे हैं यहाँ, 100 गांव जलाए गए थे, 100 ने 25 गांव में ये विप्लव हुआ था, 9 ऐसे लोग थे जो पूरे गुजरात में थे, जिनको जिन्होंने विप्लव में भाग लिया और अंडमान की कालकोठरी में गए, वापस नहीं आए, गरबरदास पटेल से लेकर मोती विक्रम जानी और द्वारका का गुगली ब्राह्मण, बाकी ऐसे लोग थे, वो उनको सजा सुनाई गई आजीवन कैद की, वापस नहीं आए। यहाँ मही के किनारे आप जाएंगे तो एक वट वृक्ष है, अभी तो नहीं रहा, लेकिन वो फांसी वट कहा जाता है, 250 लोगों को, ग्रामजनों को वहाँ फांसी पे लटका गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तात्या टोपे को मदद की थी। अब देखिए, तात्या टोपे उत्तर भारत में जब विप्लव निष्फल हुआ तो उन्होंने गुजरात की ओर नज़र रखी, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलकर यदि हो सकता है और बड़ौदा के गायकवाड़ उनका नेतृत्व ले सकते हैं, ऐसी कल्पना थी। तो राजपिपला से जंगल से निकला, आया कुछ देर तक, लेकिन नर्मदा के किनारे 4 बड़े ब्रिटिश सेनापति उनके पीछे लग गए कि इसको कहीं से भी ले लो। वो 4 बड़े सेनापतियों के बीच वो नर्मदा में 150 लोगों के साथ वो निकल गया और कहीं चला गया। तो ऐसा आदमी था, लेकिन उन्होंने गुजरात पे प्रति रखा था, गुजरात के प्रति 1857 के सभी स्वातंत्र योद्धाओं की नज़र थी कि यहाँ हो सकता है कुछ। अब देखिए, 1857 का अंतिम नायक नाना साहेब पेशवा, वो सीहोर में रहे, सीहोर में साधु के रूप में रहे। 1892 में स्वामी विवेकानंद उनको मिले सीहोर में, 2 योद्धा सन्यासी मिले। तो क्या किया होगा, ये इतिहास है हमारा।
अरे इसी इतिहास को आगे बढ़ाना चाहिए कि इसको लिखना चाहिए, इसका संशोधन करना चाहिए। अब देखिए स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म परिषद में गए थे शिकागो में और उन्होंने बहुत बड़ा व्याख्यान किया, दुनिया भर में ख्यात हुए, बात सही है, लेकिन उनका बीच कहाँ था? तो कहते हैं कि जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे, बीच में जैतलसर नाम का एक छोटा सा गांव आता है, अस्ट वहाँ कैंप के हाथ है, जैतलसर कैंप ब्रिटिशरों का था, वहाँ से गाड़ी ट्रेन बदलनी थी तो निकले रात को 9 बजे पहुँच गए वहाँ, वो बेहद ठंडी एकदम, तो इसमें ये झाड़े की मौसम क्या करें। 6 बजे सुबह को ट्रेन थी जाने के लिए, पोरबंदर जाने की, तो सो गए प्लेटफॉर्म पर चादर ओढ़ कर। तो वहाँ का जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर निकला, हरगोविंद पंड्या, हरगोविंद अजरामर पंड्या, वो श्रीमन नथुराम शर्मा का शिष्य था, बिल खा के हिंदू धर्म के प्रति वो निष्ठावान, उन्होंने देखा कि वो साधु सोया हुआ है, उठाया, साहब महाराज आप यहाँ इतनी ठंड में, अरे कि क्या करूँ मुझे 6 बजे पहुँचना है, लेकिन ये से चलो मेरे घर स्टाफ में, स्टाफ रूम में, हाउस में, वो रेसिडेंस में ले गए और हम माने कि वो खाया पिया और सो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रात भर चर्चा चली, दोनों एक दूसरे से चर्चा किया करते थे। तब ये हरगोविंद पंड्या को लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी, तो जाते जाते सुबह को 6 बजे जाना था, 5:30 बजे उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा आदमी हूँ स्वामी जी, मैं तो ये यहाँ लालटेन लेकर घूमता हूँ, ट्रेन आती और जाती है, चली जाती, लेकिन मेरी एक विनंती है, कहिए आप तो कहो कि विश्व धर्म परिषद होने वाली आने वाले वर्ष में शिकागो में होने वाली, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आप व्याख्यान करें, हिंदू धर्म के बारे में बात करें और पूरी दुनिया आपको सम्मानित करेगी, बाद में आप हिंदुस्तान आएंगे तो हिंदुस्तान भी आपके साथ रहेगा। तो छोटा सा बीच जैतलसर कहाँ और शिकागो कहाँ, अब ये भी पत्रकारिता और इतिहास दोनों है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं जोड़ देता हूँ, जिस धर्म परिषद में स्वामी जी गए थे हालांकि उसमें मणिलाल नभू भाई को जाना था, पर मणिलाल की तबीयत जो है वो ख़राब थी और उनके पास आर्थिक सहायता भी नहीं थी, उन्होंने भी कई जगह कोशिश की पर वो नहीं मिल पाया, उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी उल्लेख किया है कि मेरी जगह मैं जाना चाहता था पर ये नहीं हो पाया, पर एक साधु हैं बंगाल का विवेकानंद, वो जा रहा है, वो मिले थे, वो मिले थे नडियाद में, दोनों मिले थे और तब उन्होंने कहा कि मैंने इस विषय पर एक पेपर भेज दिया है लेकिन मेरी ताकत नहीं है, तब ये बात हुई थी। तो लेकिन वीरचंद गांधी वो जैनिज्म के लिए भी वो वहाँ गए थे, और श्याम जी कृष्ण वर्मा तब लंदन में थे, उन्होंने कहा था वीरचंद स्वामी को कि मैं आप बहुत बड़े आदमी हैं बाकी सब है लेकिन आपकी विचारधारा से मैं सम्मत नहीं हूँ, सशस्त्र जंग के वाले आदमी थे श्याम जी, तो सही उन्होंने ये कह दिया था। अभी आपने श्याम जी की बात छेड़ी है तो उसी पर सवाल पूछ लेता हूँ। अपने मांडवी में पंडित जी के यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जो क्रांति तीर्थ बनाया है उसमें भी आपका बड़ा योगदान रहा है, उसके पहले पंडित जी का अखबार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, उसके ऊपर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो श्याम जी का यह स्वरूप क्या था और इस अखबार के पीछे उनका क्या मकसद था? वैसे विद्वान थे वो, संस्कृत के विद्वान, और गुजरात सहित पूरे देश में वो संस्कृत में व्याख्यान करते थे, लेकिन बाद में उनको उन्होंने जो जूनागढ़ अजमेर उदयपुर इत्यादि जगह दीवानगिरी की, तब लगा कि हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं। कर्जन वायली ने उनका अपमान किया था सब, जिस वायली को फिर मदनलाल डिंगरा ने उड़ा दिया था वो, तो ये सब उनके कटु अनुभव थे। जूनागढ़ में उनको ज़्यादा अनुभव हुए, कटु अनुभव हुए, उनका एक अंग्रेज दोस्त था उन्होंने भी विश्वासघात किया था, फिर उनको लगा कि ये अब यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं, क्या करना, वो गए लोकमान्य तिलक के पास, वैसे दयानंद सरस्वती जी से भी उनका परिचय था, और राजकोट में आर्य समाज की स्थापना हुई तब श्याम जी वहाँ थे, आए थे और आर्य समाज ही थे, वैसे आर्य समाज के विचारों को पसंद करते थे, लेकिन बाद में तो वो उन्होंने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। तो तिलक महाराज ने कहा कि आप विदेश जाइए, वहाँ जाके करिए, गए वो, पहले भी गए थे वो, ऑक्सफोर्ड में हिंदुस्तान के प्रथम स्नातक बने,
हर्बर्ट स्पेंसर के शिष्य बने और मोनियर विलियम्स की जो संस्कृत हिंदी गुजराती अंग्रेजी डिक्शनरी थी उसमें काम किया था उन्होंने। एनी बिसेंट ने उनको कहा था कि ये ऐसे मोनियर विलियम जैसे अविद्वान के साथ क्यों काम करते हो, तुम तो स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इतना बड़ा विद्वान था ये। फिर 1905 में वो गए, सरदार सिंह राणा भी थे उनके साथ, मैडम कामा थी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे व सरोजिनी नायडू के भाई, बाकी सब और लाला हरदयाल थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने ये इमारत खरीदी, उनका नाम था इंडिया हाउस, भारत भवन, आज भी खड़ा है ऐसे की वैसा ही है। और इसकी प्रतिमूर्ति प्रतिकल्पना यहाँ मांडवी में हमने स्मारक में की थे। उसके साथ इंडियन सोशियोलॉजी चलाया और पूरे देश के क्रांतिकारों को आमंत्रित किया कि आप आइए पढ़िए, पढ़ने के लिए आइए, छात्रवृत्ति हम देंगे, प्रताप छात्रवृत्ति, शिवाजी छात्रवृत्ति, सब सब के सब प्रकार, और आप पढ़िए और पढ़ने के बाद हमारी एक ही शर्त है कि आप वापस जब जाएं हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान के गुलामों की नौकरी न मत करें, ब्रिटिश नौकरी नहीं करना चाहिए। सुभाष ने भी बाद में यही किया कि वो नहीं, नौकरी के लिए नहीं किया। तो ऐसे इसमें सावरकर जी और बाकी सब आए, वहाँ इंडिया हाउस एक मिस्ट्री हाउस बन गया, यहाँ तो यही कुछ होता रहता है। और गांधी जी भी गए थे वहाँ एक बार मिलने के, मदन लाल धिंगरा वहीं के थे, वहीं पर पढ़े थे, पंजाब से गए थे और वहाँ पढ़े और उन्होंने बाद में देखा कि ये गलत रास्ता है, ये ब्रिटिशरों का देश को सम्मानित करना चाहिए। डी वेलेरा भी मिले थे, लेनिन मिले थे उनको, ये सभी के सभी वहाँ आते थे इंडिया हाउस में, और वहाँ से ये क्रांति शुरू की और करीब करीब 27 देशों में इनकी बात पहुँची दुनिया की। और तब हमारे महाराजा गायकवाड़ वो गए थे वहाँ फ्रांस की यात्रा पर, तब उनको ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र भेजा था कि आप ये 50 गद्दारों को मत मिलिए, देशद्रोहियों को मत मिलना, ये वो पत्र भी है। लेकिन वो मिले थे, उनकी पत्नी चिमनाबाई महारानी वो भी मिली थी, मैडम कामा की उनको सबको, और सबके साथ संपर्क थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ संपर्क था। यहाँ गोवा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था रास बिहारी बोस के साथ, बाद में वो जापान गए, उन्होंने क्रांतिकारों का ये किया कि भाई हम विप्लव करना है, तय किया कि पूरे देश में विप्लव होगा सैनिकों में, और जब ये शासन बनेगा तो हमारे प्रथम राष्ट्र प्रमुख बड़ौदा के महाराजा होंगे, ये भी एक योजना बनी थी, विफल हुई, लेकिन यहाँ ये ऐसा बहुत सा हुआ। अरविंद घोष ने बड़ौदा में किया, वंदे मातरम अखबार बंगाल का था, उसमें वो लिखा करते थे, और उसी के आधार पर उन्होंने भवानी मंदिर नाम की एक छोटी सी पत्रिका, एक पुस्तिका लिखी अरविंद घोष ने बड़ौदा में बैठकर, और उसमें क्रांतिकारों को जो आदर्श बनाना था कि भाई हमें कौन सा आदर्श, तो कि हमारी ये माता राष्ट्र माता, उसके आधार पर आप उनको लहू को बलिदान दीजिए, रक्त रंजित हो और क्रांति करें। बाद में धीरे धीरे अवनींद्रनाथ टैगोर ने तो शांति निकेतन में इसी पुस्तिका के आधार पर भारत माता का वो चित्र बनाया, और बाद में भारत माता की जय सूत्र आया, तो उसका भी श्रेय बड़ौदा को जाता है, गुजरात को जाता है। तो ये सब परिकल्पना मैंने कहा, देखा कि 1857 में 6 लाख लोग मरे पूरे देश में, करीब करीब 6 लाख, और पूरे देश में तो 1857 से 1947 तक लाखों लोगों की आहुति हुई है। इसका क्या, अब ये हुज हु इन इंडियन मार्टियर्स, ये एक बड़ा संग्रह है, सरकार का है। हम तो एक भगत सिंह को जानते हैं, उसमें 51 भगत सिंह ऐसे है जिसको फांसी दी गई है, और वो बाकी सब अंधेरे में रह गए। पंजाब का हर एक गांव ऐसा है कि वहाँ से किसी न किसी को फांसी दी गई थी। ये सब कहना चाहिए, इसीलिए कहना चाहिए, केवल हिस्ट्री के आधार पर नहीं, लोगों को स्पिरिट यदि जगाना है देश भाव का, और देश में अलग अलग प्रकार के अलगाववाद के खिलाफ यदि लड़ना है, तो ये स्पिरिट, बिना स्पिरिट नहीं चलेगा। 37,000 पीपल्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस मार दिया गया, मर गए, और वो सबसे पहले अंडमान निकोबार पर उन्होंने 43 में ध्वज फहराया, इम्फाल में मैं जाके आया हूँ, वहाँ
जो छोटा सा गांव है वहाँ तक वो इंडियन नेशनल आर्मी आई थी। तो आज़ादी तो 43 में मिली थी। हम वो सब प्रथम राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये कहना चाहिए, बड़े साहस के साथ कहना चाहिए भाई हमारी तो ये प्रथम सरकार तो वो थी, आज़ाद इन सरकार थी। रंगून में उनका मुख्य मतक था, बैंक थी, शासन था, प्रशासन था, सब कुछ था, तो सरकार बनी थी। तो ये एक तरीके ठीक है, स्वतंत्र भारत पूरा का पूरा नहीं था लेकिन था तो सही। गुजराती यानी कि स्थानीय भाषा के पत्रकारत्व और जो जिसे हम तथाकथित कहेंगे ऐसे राष्ट्रीय अखबार और चैनलों के पत्रकारत्व में आज के अब क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत सीधा साधा फर्क है। पहले मिशन था, फिर प्रोफेशन रहा, फिर इंडस्ट्री बन गई, आजकल तो उद्योग है। और इसी उद्योग के आधार पर, और जब उद्योग आता है बाज़ारवाद आता है, बाज़ारवाद में बिकने वाली बात ज़्यादा होती है, उसका सत्व उसका गुण कितने हैं, क्वालिटी कैसी है वो नहीं देखते। तो इसके कारण अखबार बड़े शोभायमान एकदम उसके पास बहुत से संसाधन भी हैं, पत्रकार भी है, पैसे भी हैं और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लोगों तक पहुंचने का, इसी कारण वो पहनते हैं। लेकिन करीब करीब, मैं सबको नहीं कहता, करीब करीब पत्रकारिता का जो एक मूल ध्येय था वो चला गया। उनको विचार और समाचार दोनों को साथ जोड़कर चलना चाहिए, है सभी, लेकिन कहीं ना कहीं दूषित है। हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट जो पूरा का पूरा माहौल बना 1925 के बाद, उन्होंने तय किया था कि पूरे देश की सभी जो ऐसी विद्या संस्थाएं हैं सभी में हमें घुसना चाहिए, हमारे बात करनी चाहिए। हमारा इतिहास आज इसका परिणाम है, दूषित इतिहास। रोमिला थापर है, बाकी सब है, ये लोग कहा करते कि ये आर्य बाहर से आए थे। अब सिंधु संस्कृति क्या थी? आर्य संस्कृति थी। और फिर उन्होंने कहा यहाँ आकर, अहमदाबाद में आकर, कि मोहम्मद गिजनी तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी था और उसका केवल डाकूगिरी उसने लुटपाट की, बाकी कुछ नहीं किया। यहाँ आकर भी वो ये ऐसा कह सकती है, कारण क्या है कि उनको विभाजन चाहिए। देश में एक बार संस्कृति खत्म हो जाए तो बाकी सब तो हो जाएगा। बंगाल असम में भी ऐसे विद्वत जन हुए जिन्होंने कहा कि भी ये आदिवासी जनजातियाँ अलग है, भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उनके ईश्वर अलग है। वो वहाँ एक वो बड़ा शास्त्रीय विद्वान हुआ जिनको पंडित नेहरू भी प्यार करते थे, नाम गलत याद नहीं आता, लेकिन उन्होंने यही किया। और हमने देखा वहाँ, मैं पूरा असम घुमाऊँ, सातों राज्यों में सेवन सिस्टर्स, उनके आदिवासियों के जो देवी देवता हैं वो हमारे ही नाम अंदर अलग, कोई विष्णु है, कोई शिव है, कोई आ है, ये सब ही है। तो उन्होंने वो नहीं कहा, ये कहा कि भाई ये तो अलग है। तो विभाजनवादी ताकतों को लेफ्टिस्ट जो इरादा था वो बहुत सालों से चला, आज भी चला है। आज भी बिपिन चंद्र नाम के एक बड़े इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा JNU के, उन्होंने कहा भगत सिंह तो आतंकवादी था। अब भगत सिंह आतंकवादी था कि राष्ट्रवादी था, और उनका आतंकवाद क्या था? इसके साथ आप जोड़ देते हैं कि आप अभी के पाकिस्तानी आतंकवादी, लोगों के दिमाग में तो यही रहेगा। तो ये जो एक प्रकार का जो शिक्षा के स्तर पर ऐसा चलता है, उनके खिलाफ संशोधन ही एक रास्ता है। और इस संशोधन में पत्रकारिता, इतिहास, साहित्य सब काम आते हैं, ये सबको करना चाहिए। और ये इसी आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा चिंतन एकात्म मानव दर्शन चाहिए, हमारा इतिहास तो हम सांस्कृतिक इतिहास की धरोहर बहुत बड़ी है, छोटे छोटे गाँवों में सब बहुत बड़ा काम हुआ है, ये होना चाहिए, ये नहीं होता है। तो ये स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ इतिहास, स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई पत्रकारिता, स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ साहित्य, ये तीनों का आग्रह रखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी विश्वविद्यालयों को, तालीम करने वाली जो संस्थाएँ हैं उनको, पत्रकारिता को। दुर्भाग्य से अभी भी ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी पत्रकारिता थोड़ी बहुत दूषित रही है,
और निर्बल है, दुर्बल है। अडवाणी जी ने इमरजेंसी के दौरान कहा ही था कि भैया आप ये पत्रकारों को तो आपने नमस्कार करने को कहा था सरकार को, ये तो घुटने टेक कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। तो ये हालत इसी कारण हुई कि हम किसी दृष्टि के साथ नहीं काम करते। मेरा आखिरी सवाल, आज सोशल मीडिया का युग आ गया है और कई सारी अच्छी बुरी सही खराब सब चीज़ें जो हैं कंटेंट जिसे कहेंगे या समाचार के स्वरूप में हमारे आसपास आती रहती हैं। अब मोबाइल में तो ये बड़ा इजी हो गया है और उसके साथ साथ पत्रकारिता की विश्वसनीयता के ऊपर भी कई सारे सवाल उठने लगे। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन सब ने तो सूचना की पूरी दुनिया बदल के रख दी है। तो इस समय में यानी इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स पत्रकारिता को, पत्रकारिता जगत को अपनी साख बनाए और बचा रख कर रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा कठिन सवाल है सभी क्षेत्रों के लिए। ये सवाल है कि भई हमें कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बचने के रास्ते तो है लेकिन उन रास्तों के से उपरांत जो बड़े रास्ते वो तो खराबी के हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण, बाजारवाद के कारण, अन्य देशों की खासतौर पर पश्चिमी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव, ठीक है हम उसमें से अच्छा ले, इसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या थी? पश्चिम के विद्वानों की दृष्टि भारत को समाप्त करने की थी, पत्रकारों का भी यही हाल है वहाँ। तो उसी को हम ये यहाँ ले तो नहीं चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा जी संकट तो है। इस संकट से रास्ते में से कैसे निकलना, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी, क्योंकि साइकिल है, आज ये है कल ये दूसरा आएगा। सामाजिक पत्रकारिता या फिर आप डिजिटल पत्रकारिता, ये सब तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण साधन है। इसका यदि ठीक ढंग से उपयोग हुआ और हो रहा है, यूरोप में छोटे छोटे जो देश है, स्विट्जरलैंड है, बाकी सब है, कुछ में मैंने इसीलिए नाम दिखाए, अब तो दक्षिण अफ्रीका में भी हो रहा है कि वहाँ के छोटे देश अपने डिजिटल मीडिया को और अपने प्रिंट मीडिया को ठीक ढंग से ऐसा पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शर्म का तैयारी है, लेकिन वो अपने देश की शर्म का तैयारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने की टीम होती है, कोई शर्म का तैयार तो होता ही नहीं है। वो उसी आधार पर वहाँ ट्रेन होते लोग, चाइना में ऐसा होता है सब, चीन के आधार, भले ही उनके कम्युनिज्म को आप ठीक ना कहें लेकिन चीन का प्रमुख केंद्र अब कम्युनिज्म नहीं रहा, चीन रहा है, चीन को आगे बढ़ाना। अब चीन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सब उनकी विद्या संस्थाओं में उनकी नियुक्ति के सही नियुक्ति और उनके सिलेबस सब अलग अलग ढंग से ऐसे ही करते हैं कि जिसके वो वहाँ का जो चीनी नागरिक हो एक एक फ्रेम में आता है। हम नहीं मानते लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि एक ही फ्रेम होनी चाहिए, लेकिन हमारी फ्रेम कुछ होनी चाहिए, सांस्कृतिक फ्रेम तो होनी चाहिए कि भाई यहाँ से कि हमारी फ्रेम ही कोई उठा के ले जाए, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से अब विद्या की क्षेत्रों में भी हलचल शुरू हो गई। दूसरी बात है कि नया अंडर करंट शुरू हो गया है कुछ वर्षों से, करीब करीब मैं 15-20 साल तो इसमें कहता हूँ कि साल थोड़ा आगे भी होगा, कि लोगों को लग रहा है कि सब हमें जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस। ये अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है लोकतंत्र में, इसका सबसे फायदा अवेयरनेस का होता है। तो अटल जी कहा करते थे, वो वैसे तो उन्होंने आचार्य चाणक्य के कहानी पर से लिया था कि चाणक्य ने किसी छोटी सी झोपड़ी में गया, वो बुढ़िया थी, माँ जी खाना खिला दो, खाया, खाते खाते उन्होंने पूछा कि माँ क्या लग रहा है या, तो अनपढ़ थी, उन्होंने कहा कि पूरा देश खत्म हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, ये राजा ऐसा है, ये जुलम ऐसे, तो क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल तो कि मैं क्या कहूँ, तुम बड़े विद्वान हो, मुझे तो कुछ ये, मैं तो केवल तुम्हें खाना खिला सकती हूँ और कुछ नहीं, नहीं नहीं फिर भी कहो तो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको जागते रहना चाहिए, जागना चाहिए। उसमें से आधार में तो गए अपने घर, वेद उपनिषद निकाले, उसमें से राष्ट्र जागरे हम वयम सूत्र निकाला और कहा कि नहीं, राष्ट्र में सभी को जागना चाहिए, हर इकाई को,
हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को, वो सेना में लड़ रहा सैनिक हो या लोकसभा में बैठा हुआ प्रधानमंत्री हो या विधानसभा में बैठा विधायक हो या व्यापारी हो या व्यवसायी हो या कुलपति हो या शिक्षक हो, सब अपने अपने ढंग से यदि एक बार जागने का संकल्प करेंगे अपने से, अपनी गतिमति के आधार पर, तो भी देश जग जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये एक एक माहौल शुरू हो रहा है। अतिरिक्त भी आते हैं उसमें, बहुत से आते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्तों के बावजूद ये राष्ट्र की जागृति का संकल्प यदि भारत में स्थिर हुआ, स्थापित हुआ, तो ये लोकतंत्र का स्वरूप भी बदलेगा। ऐसा लोकतंत्र है ये, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। विमला ताई ठकार बहुत बड़ा नाम, वो कहा करती थी कि हमें ये सेक्युलर डेमोक्रेसी के बजाय स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी करनी चाहिए, आध्यात्मिक लोकतंत्र। अब ये यहाँ के बड़े विद्वान थे, कुछ साहित्यकार गांधीयन, उन्होंने उनका विरोध भी किया था कि नहीं 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 ऐसा तो कैसे हो सकता है, तो ये तो होता ही रहेगा। लेकिन ये एक मंथन है, समुद्र मंथन, उसमें से पहले विष निकला तो बाद में हम अमृत निकालेंगे, ऐसी भारतीय परंपरा है सब। और पत्रकारिता में भी है, इतिहास में भी है, साहित्य में भी है। थैंक यू पंड्या सर, आप हमारे साथ आज जुड़े और हमारे युवा दर्शकों के साथ कई सारी बातें शेयर की। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विष्णु पंड्या, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या, जिन्होंने आज हमारे साथ कई सारी ऐसी अनकहीं बातें शेयर की। मैं आशा करता हूँ कि आपका भी इससे काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगले गुरुवार को हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ मीडिया म्यूजिंग्स के नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।